आज हम बैगन से बनने वाली बहुत बढ़िया रेसिपी लेकर आए हैं। तो ये बैगन की सब्जी भरता तो आप लोगों ने बहुत बार बनाया होगा और खाया होगा, लेकिन एक बार ये बैगन की रेसिपी बना के तैयार करिए और खाइए, सभी लोग का तारीफ पाएंगे और बहुत ही बढ़िया लगता है, फटाफट बन जाने वाला रेसिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं ये रेसिपी बनाना। हेलो फ्रेंड, जय साई नाथ। तो बैगन का हम रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पे एक लिया है बैगन, हमने इस तरह से गोल वाला बड़े साइज का बैगन ले लिया है। तो बैगन हमें इस तरह से लेना है, देखकर कि एकदम हल्का हो, भारी बैगन होगा तो इसमें कीड़ा होता है, तो हमें देखकर बैगन लेना है। तो हम तवा फ्राई बैगन बनाएंगे। आपने बैगन तो बहुत बार बनाया होगा, खाया होगा फ्रेंड्स, लेकिन एक बार आप मेरे तरीके से बनाकर देखिएगा, बहुत ही पसंद आएगा आप लोगों को। तो यहाँ देखिए, उसके लिए हमने लिया है एक प्याज, 3 हरी मिर्च ले लिया है, अदरक लिया है एक टुकड़ा, उसे काट लिया है मैंने, और यहाँ लिया है 5-6 कली लहसुन का। तो हमको पहले इनका पेस्ट बना लेना है। तो हम यहाँ ले लेंगे मिक्सी का जार और इसे डालेंगे ग्राइंडर जार में, हरी मिर्ची को तोड़ के डालेंगे, लहसुन डालेंगे और प्याज को भी हमें इस तरह से रफली काट लेना है। बस हमें इसे पीस के स्मूथ सा पेस्ट बना के इसका तैयार कर लेना है। तो यहाँ देखिए, हमने इस तरह से पेस्ट बना लिया है, आप देख सकते हैं कितना स्मूथ सा पेस्ट, एकदम चिकना सा। तो बस हम इसे एक बर्तन में पहले खाली कर लें। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो हमने 2 पिंच हींग ले लिया है, हल्दी पाउडर डालेंगे इसमें 1/2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, आप मिर्च अपने हिसाब से ले सकते हैं, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और इसी के अंदर हम डालेंगे गरम मसाला, 1/2 चम्मच गरम मसाला डालेंगे, अमचूर पाउडर डालेंगे इसमें 1 चम्मच, नमक ऐड करेंगे टेस्ट के अनुसार, बस इसमें 1 चम्मच हम तेल लेंगे, आप तेल कोई सा भी यूज कर सकते हैं, रिफाइंड तेल, सरसों का तेल। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लें। तो यहाँ देखिए, हमने इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, बस हम इसे साइड में रख देते हैं। अब हम बैगन को लेंगे और बैगन को इस तरह से हम गोल गोल काटेंगे, तब पीछे का ये पार्ट हटा देंगे इस तरह से, और हमें थोड़ा इसे मोटा ही काटना है। ये देखिए, हमें इस तरह से काट लेना है बैगन को। ये बैगन बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल भी इसमें देखिए, आप देख सकते हैं इसमें बीज भी बहुत कम है। ये देखिए, इतना थिक हमें काट लेना है बैगन को। तो यहाँ देखिए, हमने इस तरह से बैगन को काट लिया है सारे, बस हम शुरू करते हैं इसे बनाना। हम यहाँ पे लेंगे 2 चम्मच बेसन, तो बेसन को हम इस तरह से प्लेट में डाल देंगे, और हमने लिया है 1 चम्मच यहाँ पे कॉर्नफ्लोर, तो इसे भी इस तरह से डाल के मिक्स कर देंगे दोनों को, मिक्स कर देंगे इस तरह से, बस प्लेट में इस तरह हम फैला देंगे इसे। तो यहाँ देखिए, हमने पेस्ट ले लिया जो बना के रखा है इस तरह से, बस एक बैगन को हम ऐसे लेंगे और इस तरह से इसमें डिप करेंगे बैगन को, मसाले को इस तरह से लगाएंगे इसके ऊपर। ये देखिए, हम इस तरह मसाला लगा लेना है दोनों तरफ अच्छे से। यहाँ देखिए, अच्छे से दोनों तरफ मसाला लग चुका है। अब इसमें हम इसको डिप लगाएंगे, सूखा ड्राई हमने जो बेसन और इसका लिया है कॉर्नफ्लोर को, तो बस इस तरह से हम इस तरह पर डालेंगे थोड़ा सा, हल्का सा हमें लगाना है, ज़्यादा नहीं इसमें करना है, बस ये हमारा तैयार हो गया। तो यहाँ देखिए, हमने ले लिया है तवा, तवा के ऊपर हम तेल डालेंगे, हम यहाँ सरसों का तेल ले रहे हैं, तेल को सब चारों तरफ इस तरह हमें फैला लेना है। देखिए, हमने तेल डाल दिया इसमें, इस तरह से तेल को हमें चारों तरफ इस तरह फैला लेना है और गरम हो जाने देंगे तेल को। तो यहाँ तेल गरम हो गया है, बस हम एक एक बैगन को ऐसे डालेंगे। ये देखिए, तो यहाँ देखिए, हमने यहाँ तवे पे 4 हमारा आ जाएंगे बैगन, तो हमने 4 इस तरह से रख दिया है और इसे फ्राई कर लेंगे।
तो हम इसे दूसरी तरफ इस तरह पलट देना है। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, वाह। तो हमें दोनों तरफ से इसी तरह फ्राई कर लेना है। और ये देखिए एकदम पक भी रहा है, धीमे आंच पे इसे थोड़ा सा ढक देंगे। तो हमने इसे एकदम लो फ्लेम पे ढक दिया है और इसे दूसरी तरफ से भी हमें इसी तरह से फ्राई कर देना है। तो हम इसे खोल के फिर से देख लेते हैं। ये देखिए बैगन कितना बढ़िया दबने लगा है, ये देखिए बैगन कितना अच्छा दब रहा है हमारा। ये बैगन हो गया है अच्छे से, तो इसको थोड़ा सा हम तेज कर लेंगे गैस को। तो यहाँ देखिए बैगन एकदम पक गया है, ये आप देख सकते हैं दबा के, हाथों से दबा के देख रहे हैं। ये देखिए कितना बढ़िया बैगन पक रहा है, बस हम इसे निकाल लेंगे प्लेट में। ये देखिए वाह, ये देखिए। तो इसी तरह हम दूसरे शिफ्ट के बैगन को भी रख लेते हैं। ये देखिए इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा रेट कर देंगे। तो हमने ये देखिए फ्रेंड्स दूसरे शिफ्ट का भी पका लिया और इसको धीमी धीमी आंच पे बढ़िया से सेकने दीजिए तो ये अंदर तक पक जाता है। और बाद में जब ये सिक जाए तब इसको क्रिस्पी करने के लिए थोड़ा सा आंच को हमें तेज कर लेना है। तो हमारा ये देखिए ये बन चुका है बढ़िया सा बैगन, पलट देंगे तो ये सर्व के लिए रेडी है। कितना बढ़िया लग रहा है, आप इसे गर्मा गर्म पराठा रोटी के साथ में खाइए या चावल के साथ में खाइए, बहुत बढ़िया लगता है ये। तो इसे थोड़ा सा धनिया से हम गार्निशिंग कर लेते हैं। ये देखिए आपको अगर हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी फ्रेंड तो आप जरूर हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट रेसिपी। थैंक यू, बाय बाय।